दोस्तों आईपीएल 2021 का 27वां मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जहां मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच में मुकाबला होने वाला है, आईपीएल की सबसे सफल टीम मानी जा रही चेन्नई सुपर और मुंबई इंडियंस दोनों आपस में टकराएंगे, तो कितना रोमांचक, कितना इंटरटेनमेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों टीमों की कन्फर्म प्लेइंग 11 के बारे में, दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड और साथ में कंपेरिजन भी करने वाले हैं कौन सी टीम ज्यादा बेहतर है, वही प्रेडिक्शन भी करने वाले कौन सी टीम में मुकाबला जीतने वाली है, मुंबई इंडियंस या फिर चेन्नई सुपर किंग। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप फैंटेसी लीग ड्रीम 11 खेलते हैं तो मुझकी टीम प्रोवाइड करता हूं फ्री में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके डीएम कीजिए। दोस्तों आईपीएल के इतिहास में सबसे मजबूत टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग मानी जाती है, जहां मुंबई इंडियंस अब तक 4 बार आईपीएल की चैंपियन बन चुकी है, तो वही चेन्नई सुपर किंग भी 3 साल की चैंपियन बन चुकी है। हालांकि सबसे ज्यादा फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग जरूर करी है, लेकिन अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड में मुंबई इंडियंस का पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि अब तक दोनों ही टीमों ने 30 मुकाबले खेले हैं और 30 मुकाबले में मुंबई इंडियंस 18 मैच जीती है, वहीं चेन्नई सुपर किंग मात्र 12 ही मैच जीती है। जहां लोवेस्ट और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 208 है चेन्नई सुपर किंग का हाईएस्ट स्कोर मुंबई इंडियंस के खिलाफ, तो वहीं 202 स्कोर है चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ मुंबई इंडियंस का, और लोवेस्ट स्कोर की बात करें तो 79 रन है चेन्नई सुपर किंग का मुंबई इंडियंस के खिलाफ, और 141 जो है मुंबई इंडियंस का चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोनों टीमों की कंफर्म प्लेइंग 11 के बारे में, जो कि 27वें मुकाबले में रहने वाली है। ऋतुराज गायकवाड़ और फैब डुप्लेसिस ओपनिंग करने वाले हैं, वही 3 नंबर पर सुरेश रैना रहने वाले हैं, 4 नंबर पर अंबाती रायडू, 5 नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी, 6 नंबर पर मोइन अली, 7 नंबर पर सैम करन, 8 नंबर पर रविंद्र जडेजा, 9 नंबर पर डीजे ब्राव रहने वाले हैं, और 10 नंबर पर जो रहने वाले हैं शार्दुल ठाकुर रहने वाले हैं, और 11वें नंबर पर दीपक चहर रहने वाले हैं। वहीं अगर डीजे ब्राव नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह इमरान ताहिर खेलने वाले हैं, क्योंकि वो स्पिनिंग बॉलिंग काफी ज्यादा अटैकिंग करते हैं मुंबई इंडियंस के खिलाफ। वहीं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं, वहीं सूर्य कुमार यादव 3 नंबर पर आने वाले हैं, हार्दिक पांड्या, केरन पोलार्ड, कृणाल पांड्या, नतन कल्टन नीले, राहुल चहर, जयंत यादव, ट्रेंट बोल्ट और 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह रहने वाले। वैसे आपको पता तो अगर क्विंटन डिकॉक फ्लॉप साबित हुए और इस मैच में नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह क्रिस लिन लेने वाले और ईशान किशन को वापस बुलाया जाएगा, नतन कल्टन नीले को बाहर बैठाया जाने वाला है। तो दोस्तों ये है दोनों टीमों की कन्फर्म प्लेइंग 11 जो 27वें मुकाबले में रहने वाली है। अब बात करते हैं कंपेरिजन की, तो कंपेरिजन में दोनों टीमों का ओपनर बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग पारी, क्योंकि जहां फैब डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ काफी खतरनाक बैटिंग करते हैं, तो वही मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक भी काफी जबरदस्त परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। मिडल ऑर्डर भी, अगर मिडल ऑर्डर की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग का मिडल ऑर्डर थोड़ा सा धीमा पड़ रहा है, लेकिन मुंबई इंडियंस का काफी ज्यादा मजबूत है, जहां कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन जैसे खतरनाक खिलाड़ी हैं, तो वही महेंद्र सिंह धोनी, अंबाती रायडू, सुरेश रैना जैसे चेन्नई सुपर किंग में है। तो दोस्तों अगर बॉलिंग अटैक की बात करें तो बॉलिंग अटैक ज्यादा मुंबई इंडियंस की मजबूत है। मुंबई इंडियंस में जहां ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और राहुल चहर हैं, तो वही चेन्नई सुपर किंग में काफी खतरनाक बॉलिंग अटैक जरूर है, जहां मोइन अली, दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर जैसे खतरनाक बॉलर शामिल है। अगर ऑलराउंडर की बात करें तो केरन पोलार्ड और कृणाल पांडे जैसे मुंबई इंडियंस में, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग में भी रविंद्र जडेजा, सैम करन जैसे खतरनाक ऑलराउंडर हैं। तो दोस्तों दोनों टीमों के कंपैरिजन की बात करें तो ज्यादा बेहतर अगर 19-20 के फर्क से है तो मुंबई इंडियंस और दोनों ही बराबर है। वहीं अगर हम बात करें प्रेडिक्शन की तो प्रेडिक्शन भी दोनों टीमों का पलड़ा ज्यादा भारी है, लेकिन ज्यादा चांसेस लग रहे हैं मुंबई इंडियंस के। वैसे मुंबई इंडियंस अब तक 6 मैचों में से सिर्फ 3 ही मैच जीत पाई है, वहीं चेन्नई सुपर किंग पॉइंट टेबल में टॉप पर है 5 मैच जीत कर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस